तो मैं एलईडी ऑन आई व्हाट मेरे को मिलना कैसे था कि एलईडी ऑन है कंप्लीट स्ट्रिंग की तरह मिलना चाहिए था, बट इंस्टेड आई वाज रिसीविंग एल, देन आई वाज रिसीविंग एलई एज अ सेपरेट, देन आई वाज रिसीविंग एलईडी एक और नंबर, देन आई वाज रिसीविंग एलईडी ओ और फिर जाके एलईडी ऑन. तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और वो फंक्शन चला नहीं. इसीलिए हमने क्या किया, हमने जस्ट एक छोटा सा डिले दे दिया. इस डिले से क्या हो गया कि जब भी कोई डेटा आएगा उसके बाद अगले 3 है ना 3 मिलीसेकंड तक कुछ नहीं होगा, तब तक मेरा यूएआरटी जो है वो सक्सेसफुली सारी इंफॉर्मेशन को असेंबल कर लेता है, यानी 1 byte एक जो कैरेक्टर है एल पूरा कंप्लीटली असेंबल हो जाएगा, फिर आपका वापस से वाइल लूप चलेगा. तो इस तरीके से जस्ट मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया मेरे प्रोग्राम के प्रोग्रेस को, एंड नाउ माय यूएआरटी जो मेरा यूनिवर्सल asynchronous receiver transmitter, and now it is capable to assemble data. That is the only change that I made, and this program is now working fine. अब मैं कितनी भी लंबी strings जो है वो यहाँ से भेज सकता हूँ. So let me just show you that, and then we'll continue with the next. अगर किसी को कोई doubt है तो पूछिए. जो सबसे important part है इस program का वो है while this portion. और इसके बाद में हमने सिंपल इफ लगाया है आप, और फिर अंदर में भी इफ लगाए हुए हैं. अंदर वाले इफ को आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपने सी में स्विच केस पढ़ा है तो उससे भी ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है. तो दैट आई एम लीविंग टू यू कि हाउ यू कैन मॉडिफाई, राइट, एंड द मॉडरेटर्स कैन पुट दिस इन देयर टेस्ट कि इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, सो दैट दीज स्टूडेंट्स विल इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस सी, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए. And it is right. Let me just upload this code and see whether it is working or not. Let me just check. सभी जगह serial ही लिखा है, serial one तो नहीं है. Okay. Let's upload this. Let me make the hardware connections because I am using UART0. तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आप UART0 यूज करें तो आपको प्रोग्राम अपलोड करते टाइम जो है कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है. क्योंकि क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका कॉमन पिंस यूज होती हैं बिटवीन योर पीसी एंड योर TX0, RX0, जो 0 और 1 पिन है, दे आर कॉमन पिन. सो लोडिंग इफेक्ट की वजह से फिर प्रोग्राम जो है वो फंक्शन नहीं करता है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट is my camera visible? I changed my internet connection. Yes, sir. Okay. So, now as you can see, this is my mobile phone and here is my Arduino, right?
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो एलईडी है वो टर्न ऑफ कंडीशन में है, राइट? लेट मी शो यू. तो दिस इज द एलईडी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन. ठीक है, ये भी टर्न ऑफ है. अब मैं यहां से, ठीक है, मैंने पैच वगैरह सब कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया है. लेट मी मे वन कमांड एलईडी ऑन एंड लेट मी सेंड इट. ठीक है, तो अब ये एलईडी आपकी ऑन हो गई है. मैंने एलईडी ऑन कमांड भेजा है, जैसा कि एलईडी ऑफ भेज के देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, तो मैंने अब एलईडी ऑफ कमांड भेजी है एंड एज यू कैन सी द एलईडी इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ कमांड भेज के देख लेता हूँ, कुछ रैंडम वैल्यू. सो एज यू कैन सी आई सेंड दिस जी यू वाई वाई आई एंड नथिंग हैपन. ठीक है, कुछ नहीं हुआ. सो इस तरीके से आप इसको फंक्शन करा सकते हैं. ठीक, एनी डाउट्स यू हैव? किसी का कोई डाउट है सो प्लीज शेयर योर डाउट्स और एल्स विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. सॉरी, आई गेस इनकम्प्लीट ही शेयर हो गया. यस, ओके. So, you already have this code, right? Ayush ne aapko updated code bhej diya tha. It's the exact same code. You can try this code with even longer strings and it will work fine. No issues, right? So, ab humne kya seekh liya hai? Bluetooth se, bahut hum Bluetooth ki depth mein nahi ja rahe hain, but humne do essential cheezein seekh li hain. Sabse pehla, agar mujhe koi information mere Arduino se mere smartphone pe bhejni hai Bluetooth ko use karte hue, to wo mujhe aata hai. Aur ye bilkul waisa hi hai jaise ki aap सीरियल मॉनिटर को यूज करते हैं. एग्जैक्टली वही फंक्शंस आपके यूज हो जाएंगे. दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास में वो है कि आप आपके स्मार्टफोन से अगर ऑर्डिनो पर कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं तो वो भी हमने पढ़ लिया है. और जस्ट आपको एक वाइल लूप इंप्लीमेंट करना है जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा. उन कैरेक्टर्स को हम असेंबल करेंगे वाइल लूप के अंदर, उससे एक बड़ी स्ट्रिंग बना लेंगे और फिर उस स्ट्रिंग को आपको जैसे यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एज अ कमांड उसको ट्रीट कर लिया कि ठीक है, एलईडी ऑन आएगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, एलईडी ऑफ आएगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी. ठीक है, अगर आप चाहें तो जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि एक मेरे को लेट से मैट्रिक्स डिस्प्ले बनाना है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पर एलईडी मैट्रिक्स डिस्प्लेज होती हैं, तो अगर मुझे मान लीजिए ऑर्डिनो और वो एलईडी मैट्रिक्स है मेरे पास में, एलईडी और विनय आई विल कम बैक टू यू राइट ऑन दिस. तो अगर आपके पास में ऑर्डिनो है और आपके पास में एक एलईडी मैट्रिक्स है तो ब्लूटूथ के साथ में आप क्या कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन को उस एलईडी मैट्रिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप जो भी टाइप करेंगे उस एलईडी मैट्रिक्स पर डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशन है. आप सोचिए कि कहाँ कहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं. अगर आपको कुछ और फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है तो वी हैव अवर मॉडरेटर्स और यू कैन कम बैक टू मी और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ आइडियाज हैं ट्रेनिंग में क्या हो सकता है. आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा सकता है. ठीक है, एक बेसिक इंटरफेसिंग सिखाई जा सकती है. उसके बेसिस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारी टीम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेगी, लेकिन देयर इज नो लिमिट, राइट? किसी भी प्रोजेक्ट की आपकी थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, तो आप सोचिए जितना सोच सकते हैं, जो भी नए आइडियाज आएंगे दे आर वेलकम, राइट? हमसे बनेगा, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे. Vinay, can you be please more specific about introduction to functions? क्या function you need explanation? Sir, in programming we are using different types of functions like string print, string pin mod, using. Okay, so I'm not going into details of these functions, but let me show you. देखिए मैं इतना बता देता हूँ कि वो फंक्शन एग्जैक्टली करेगा क्या. एंड लेट मी शो यू अ वेब पेज जहां पे आपको ये सब मिल जाएगा और इवन इट इज इनसाइड योर ऑर्डिनो ऑल्सो. इफ यू गो इनटू ऑर्डिनो यू विल फाइंड समवेयर दिस रेफरेंस. ठीक है, तो ऑर्डिनो के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको इस रेफरेंस पेज पे मिल जाते हैं. ऑर्डिनो की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी.
if I am unable to cover every aspect of that function, right? It's very difficult. बट आप जैसे सीरियल फंक्शन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा. लेट मी जस्ट फाइंड आउट. ठीक है, ये है सीरियल, सीरियल कम्युनिकेशन. तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन होंगे तो बता देगा. जैसे कि ये फंक्शन है कि सीरियल में प्रिंट कैसे कराना है सीरियल के साथ में, तो ये सभी फंक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको Arduino में भी मिलेगी और वेबसाइट पर भी ये सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं ये कोड ओपन कर रहा हूँ. आई एम जस्ट स्क्रोल इट राइट एंड टेल मी. जैसे कि सीरियल डॉट बिगिन मैंने आपको बताया था, ये बॉड रेट सेट करने के लिए होता है. दो व्हेन टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग UART. ठीक है, तो अगर मेरा Arduino UART के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको ये सीरियल फंक्शन यूज करना पड़ेगा. मेरा लैपटॉप जो है वो तो UART पे नहीं फंक्शन करता, बट मेरा Arduino जो है उस लैपटॉप को एज UART डिवाइस ही कंसिडर करता है. फिर मेरे Arduino बोर्ड पर ही एक चिप है, मैंने आपको बताया था, देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर व्हिच कन्वर्ट्स दैट UART इनटू USB एंड दैट वे इट कम्युनिकेट्स विद माय लैपटॉप. तो उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराने के लिए ये बॉड रेट है. ठीक है, पिन मोड मुझे लगता है आपको आता ही है. सीरियल डॉट अवेलेबल जो फंक्शन है ये बताता है कि क्योंकि देखिए UART एक ट्रांस रिसीवर है. ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स प्रोटोकॉल है, आप डेटा भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. इस प्रोग्राम में मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ, मेरा जो Arduino है वो डेटा रिसीव कर रहा है. ठीक है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप आपके फोन से भेजेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आई है नहीं आई है या मैंने भेजी है नहीं भेजी है वो आप इस फंक्शन से पता लगा सकते हैं सीरियल डॉट अवेलेबल से. ठीक है, फिर सीरियल डॉट रीड से अगर इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि मैंने इसे वाइल लूप के अंदर रखा है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन आई है तो उसका एक कैरेक्टर जो है वो आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल में रख सकते हैं जो हमने सी में रख लिया. ठीक है, ये सिंपल हमने स्ट्रिंग को डेवलप किया है, पुराने वाली में नई वाली ऐड करते गए तो लंबी स्ट्रिंग बनाई हमने, दैट इज व्हाट वी हैव डन. फिर डॉट लेंथ जो मेथड है, रीड स्ट्रिंग तो हमारा वेरिएबल है. ठीक है, डॉट लेंथ जो मेथड है इस मेथड से आप पता लगा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की लेंथ क्या है. ठीक है, कितना साइज है, 5 बाइट का डेटा है उसमें 10 बाइट का डेटा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितने लेटर्स हैं उसमें, वो आपको पता लग जाएगा यूजिंग दिस फंक्शन स्ट्रिंग रीड स्ट्रिंग डॉट लेंथ. बाकी फंक्शंस आई गेस दे आर प्रीटी राइट इजी टू अंडरस्टैंड. एक और फंक्शन जो सीरियल का है वो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन है. इस फंक्शन से अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आप डबल कोट्स में लिख लीजिए, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू. अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू पास कराना चाहते हैं तो फिर डबल कोट्स में ना लिखिए, सिंपल वो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट आपकी हो जाएगी. ठीक है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस लिंक. राइट, ये तो खैर मेरे कंप्यूटर में इंटरनली है जहाँ पे मेरा Arduino स्टार्ट है, बट लेट मी शो यू वेबसाइट पे कहाँ है. ओके, हियर इट इज, रिसोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो ये रेफरेंस सेक्शन है और ये सारे आपका वही जो पेज मैंने अभी अपने लोकल सिस्टम पे ओपन किया था, सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, एनी अदर थिंग आई कैन हेल्प विद विनय और एनी वन एल्स? कोई और एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट है, और शैल आई कंटिन्यू, प्लीज टेल मी. ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस ब्लूटूथ. राइट, बहुत कुछ है इस ब्लूटूथ में और करने के लिए. ठीक, डोंट स्टॉप हेयर, ट्राई टू फाइंड आउट. ब्लूटूथ से मैश नेटवर्क्स बन जाते हैं बट वो मैं आपको इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि मेरे पास में फिलहाल सिर्फ एक ही ब्लूटूथ डिवाइस है और दूसरा उतना डीप में जाने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस एंड आई हैव टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ IoT ऑल्सो. राइट, आई हैव टू टेक दैट पोर्शन ऑल्सो, सो दैट इज वाई वी डोंट हैव टाइम. ठीक, सो ब्लूटूथ, ट्राई एंड फाइंड आउट हाउ टू डेवलप नेटवर्क्स यूजिंग ब्लूटूथ. एक पीकोनेट करके नेटवर्क, ब्लूटूथ का जो नेटवर्क है उसको पीकोनेट बोलते हैं, तो वो पीकोनेट कैसे बनता है वो पता लगाइएगा. चलिए, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर बास्केट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. राइट, सो कैन एनीवन टेल मी, आपको क्या लगता है व्हाट इज दिस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन? कहां कहां ये वर्ड सुना है पहले तो ये बताइए. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन ऑल्सो टाइप इन चैट बॉक्स.
एंड टेल मी. पल्स विद मॉड्यूलेशन एटलीस्ट हायर सेमेस्टर स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, इंडिया फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर समवेयर. किसी ने नहीं सुना आउट ऑफ ऑल दीज 41 पीपल वी हैव पल्स विड मॉड्यूलेशन. सो प्रियंका कैन यू प्लीज एलाबोरेट, यू नो व्हाट इज पल्स विड मॉड्यूलेशन. यू कैन सिंपली टाइप और यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ और वहां बताइए क्या होता है पल्स विड मॉड्यूलेशन. कहाँ सुना है एटलीस्ट ये जस्ट मैंशन कर दीजिए किस एप्लीकेशन में. ओके सो लेट मी टेल यू. ओके वी गेट एनालॉग रिजल्ट फ्रॉम डिजिटल आउटपुट, यस ट्रू. टू सेंड डेटा, यस. एनालॉग कम्युनिकेशन, यस यस. तो एक्चुअली दो मेजर एप्लीकेशन है पल्स विड मॉड्यूलेशन की और दोनों ही, अगर आप में से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ही है. ठीक है, पहला जो है वो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट है, जैसे इन लोगों ने बताया, आयुष ने, प्रियंका ने, राजकुमारी ने, कि आप इसको इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए यूज कर सकते हो. तो बहुत सारे मॉड्यूलेशन पढ़े होंगे आपने, एनालॉग मॉड्यूलेशन, देन एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा होगा, फिर आपने डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड पल्स विड मॉड्यूलेशन, पल्स पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. तो इस तरीके से बहुत सारी डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्निक्स होती हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं और उसी में से एक होता है आपका पल्स विड मॉड्यूलेशन. फिलहाल हम जो यूज करने वाले हैं वो निकिता ने अभी अभी एग्जैक्टली मेंशन किया कि हम रिड्यूसिंग द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक. ओके सो किसी भी डिजिटल पिन से, और स्तुति ने भी आएगा सिमिलर चीज मेंशन करी है कि आप क्या करते हैं, आप किसी, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो, और यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट समथिंग हियर, मैं बोलता हूँ कि ये 5 वोल्ट है. ठीक है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है डेट मीन्स मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा ही जो एवरेज वैल्यू है इसकी वो क्या रहेगी, 5 वोल्ट रहेगी. तो 100% ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल में वापस से आऊंगा क्या है इसका मतलब, अभी समझ में आ जाएगा आपको. तो यहाँ पे हमेशा जो मेरा वोल्टेज है वो क्या बना रहेगा, 5 वोल्ट. एवरेज वैल्यू भी कितनी है इसकी, 5 वोल्ट है. अब मैं ऊपर वाले फिगर पे जाऊं, इसके जस्ट ऊपर है ये, अभी भी मैंने 5 वोल्ट माना है और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कितनी ड्यूटी साइकिल है इसकी, 80%. तो ड्यूटी साइकिल का सबसे पहले मतलब क्या होता है, इट इज कितनी देर के लिए मेरा जो सिग्नल है वो हाई वैल्यू पर है, ऑन पोजिशन में है, और कितनी देर के लिए ऑफ पोजिशन पे है. तो ऑन पोजीशन के लिए हम बोलते हैं टाइम टी ऑन, और ऑफ पोजीशन के लिए हम बोलेंगे टी ऑफ, और नीचे हम लिख देंगे टोटल टाइम. तो टोटल टाइम ऑब्वियसली क्या होगा, ऑफ टाइम और ऑन टाइम, या तो मेरा डिवाइस ऑन है, सॉरी मेरे डिजिटल पिन या तो ऑन है या फिर ऑफ है. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम. तो ड्यूटी साइकिल होती है इसका रेशियो, और इसको आप परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो अगर मेरा इसको मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम मानू, है ना, इफ इट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम, देन टी ऑन मेरा कितना है, 0.8 है, और टोटल कितना है 1, है ना, 0.8 प्लस 0.2 rather, ऐसे बोल देते हैं 0.2 प्लस 0.8 into 100. तो ड्यूटी साइकिल कितनी हो जाएगी आपकी, 80%. और 80% ड्यूटी साइकिल का सीधा सीधा मतलब है कि जो एवरेज वोल्टेज है ना, वो हो जाएगा आपका 80% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, विच इन दिस केस इज पीक वैल्यू कितनी है इसकी, 5, तो 5 वोल्ट. So this will be 4 volt, ठीक है, not this one, sorry, this one. तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 4 volt. यहाँ पे हमने बोला 40% ड्यूटी साइकिल, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% ऑफ 5 volt. So that will be what? What is 40% ऑफ 5 volt, guys? Please tell me. Type in the chat box. Very easy calculation, right? Just quickly type. What is 40% ऑफ 5? कितना होगा भाई, 40% 5 वोल्ट का, मैसेज तुम लोग भेज नहीं रहे हो या आ नहीं रहे. ओके भेज रहे. ओके
So two exactly, right? So just be there, right? You all have to respond. वैसे मैं कहूंगा आपने काफी टाइम लगा दिया इफ इट इज नॉट अ टेक्निकल ग्लिच ये पता लगाने के लिए, बट एनीवेज ठीक है. 5 वोल्ट का 40% जैसा सभी ने बताया कितना होगा 2 वोल्ट. नाउ 20% व्हाट इज 20%, इसको मिटा देता हूं ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो व्हाट इज 20% ऑफ 5 वोल्ट क्विकली टेल मी. 1 राइट 1 यस. तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 वोल्ट. तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से आप करते क्या है, वही जो मेरा सिग्नल जो कंटिन्यूअसली ऑन था उसको कंटिन्यूअसली ऑन ना बना के बीच बीच में हम ऑफ कर देते हैं, और जितना देर हम ऑफ करते हैं उतना उसका एवरेज वैल्यू जो है वो कम हो जाता है. तो हमने देखा अगर मैं 100% हमेशा ऑन करके रखूंगा और ये 5 वोल्ट है तो मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा. अगर मैं इसे 80% टाइम ऑन रखूंगा तो वही 5 वोल्ट घट के कितना मिलेगा मुझे, एवरेज 4 वोल्ट. 40% कर दूंगा 2 वोल्ट, 20% कर दूंगा 1 वोल्ट. तो इस तरीके से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, निकिता ने बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ किया था कि आप एवरेज जो वैल्यू है, एवरेज डीसी वैल्यू जो है वो आप कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ठीक है, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. नाउ लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं. ठीक है, अब इसे सोच के बताइए जो लोग भी पहले बार सुन रहे हैं या जो पहले भी सुन रहे हैं, टेल मी कि व्हाट आर दी एप्लीकेशन जो आप इससे बना सकते हो, क्या कर सकते हैं आप इससे. कैन समवन क्विकली अनम्यूट और टाइप दी चैट बॉक्स. ओके, तनुश्री सेज वी कैन कंट्रोल डीसी मोटर. तनुश्री कैन यू बी प्लीज अ बिट मोर स्पेसिफिक. डीसी मोटर्स में दो पैरामीटर्स होते हैं एक्चुअली, वन इज द डायरेक्शन, क्योंकि डीसी मोटर दोनों डायरेक्शन में घूम सकती है, राइट, इट कैन बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एज वेल. दूसरा एस्पेक्ट होता है स्पीड. तो इन दो में से कौन सी चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ डीसी मोटर्स, तनुश्री. ओके, स्पीड कंट्रोल, राइट, कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज, यस दैट वी डिस्कस्ड. तो आप डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और बल्कि किसी भी मोटर की कर सकते हो अगर प्रॉपर ड्राइवर सर्किट है आपके पास में. तो यू कैन कंट्रोल दी स्पीड ऑफ डीसी मोटर, ये एक एप्लीकेशन हो गया. ठीक है, आप इससे डिमर्स बना सकते हो. आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी फैंसी लाइट्स जो है वो मार्केट में मिलती हैं और उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है. जनरली हमारे घर में कैसी लाइट्स होती हैं कि बस ऑन होंगी या ऑफ होंगी. ठीक है, आप उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन नाउ देर आर यू विल फाइंड कि देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सॉरी लाइट्स जिनकी आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो. तो आप इसे डिमर्स में यूज कर सकते. ठीक है, आप इससे वोल्टेज, जैसा कि क्योंकि हम मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे हम फैन रेगुलेटर भी बना सकते हैं. अभी जनरली जो फैन रेगुलेटर होता है वो आपका रेजिस्टिव होता है नेचर में, यानी उससे पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. या स्पीड पे चलाओगे, अगर स्पीड कम करोगे तो आपका रेगुलेटर जो है वो पावर कंज्यूम कर लेता है. ठीक है, तो अगर वो पावर सेव करनी है, क्योंकि यहाँ पे पावर डिलीवरी नहीं होगी, आपने ऑफ कर दी ना, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं. बट ऑल्दो देर आर डिसएडवांटेजेस, अगर इसे एसी सर्किट में यूज करते हैं तो इससे हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं, तो फिल्टर्स वगैरह बनाने होते हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक्स में इट कैन बी यूज्ड विदाउट मच हार्म. ठीक है, सो नाउ फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल मेरे पास में जस्ट एक एलईडी है. हम उस एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे टू विद द हेल्प ऑफ दिस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ठीक, मैकेनिकल पार्ट्स, कंट्रोलर और हो सकते हैं. ओके, यस, यू कैन कंट्रोल, राइट. आजकल तो बहुत सारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इट इज इंटीग्रेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. वी हैव इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स वी हैव, और देर आर मेनी थिंग्स इन ऑटोमोबाइल विच आर नाउ कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स. इवन दी वेरी मैकेनिकल पार्ट, राइट, लाइक इंजन एंड ऑल, दे आर ऑल्सो हैविंग सो मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड देम. ओके, एनीवेज फॉर दिस क्लास वी विल ओनली कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी विद द हेल्प ऑफ दिस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ठीक है, कैसे करना है, बहुत इजी है. लेट मी शो यू. ओके,
सो नाउ आई हैव वन एलईडी जो 13 नंबर पे मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड है. ये एलईडी में एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास में ये ब्लू कलर की एलईडी है. ठीक है, आपको इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूएम. एलईडी की ब्राइटनेस आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर इसमें से कम करंट फ्लो होगा, कम करंट कैसे फ्लो, अगर यहाँ पे ही कम वोल्टेज होगा तो ऑब्वियसली इस सर्किट में कम करंट फ्लो होगा. कम करंट फ्लो होगा तो इसकी ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. उसके लिए ऑर्डिनो का प्रोग्रामिंग का एक बहुत सिंपल फंक्शन है. स्टैंड अलोन माइक्रो कंट्रोलर से इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट ऑर्डिनो में इट्स वेरी इजी. सो देयर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन. पिन नंबर से याद आया कि कौन कौन सी पिन है पीडब्ल्यूएम की, तो भाई किसी को याद हो तो बताएं कितनी पिन है. कौन सी तो मैंने शायद नहीं बताया था, लेकिन कितनी पीडब्ल्यूएम पिन होती है ऑर्डिनो के अंदर वो प्लीज टाइप करिए. 14. What about all other? Bharat is also with her and says it is 14. Varsha, Shubham, Richa, Satyam, Priyanka, Bhaskar, Tanushree, Shubham, Shrishti. Okay. So everyone is saying 14. तो आपको याद है बिल्कुल सही. Total 14 PWM pins हैं. कहाँ पर होती हैं? तो ये होती हैं pin number 2 से लेके 13 तक. और फिर होती है 45 एंड 46, ये दो पिंस. तो 2 से लेके 13 तक कितनी हो गई है, 11. और फिर ये 2 से 13 कितनी हो गई, 12 हो गई, सॉरी 12. ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर ऑर्डिनो मेगा. ठीक है, ऑर्डिनो मेगा में टोटल इतनी पिंस होती हैं, 2 से लेके 13, ये 12 पिंस. और पिन नंबर 45 एंड 46 आर ऑल्सो पीडब्ल्यूएम पिंस. ठीक, अब आप इनमें से किसी भी पिन पे यूज कर सकते हैं एनालॉग राइट फंक्शन, और किसी पिन पे करेंगे तो फंक्शन करेगा नहीं. ठीक है, वो काम नहीं करेगा भले ही एग्जीक्यूट हो जाए. तो एनालॉग राइट आपको पिन नंबर देना है और उसके बाद में आपको एक वैल्यू लिखनी है. और ये जो वैल्यू होगी ये एक 8-बिट की वैल्यू है. तो 8-बिट की वैल्यू मतलब यहाँ पे आप कितना बड़ा नंबर लिख सकते हो, 0 से लेके 255 तक का नंबर आप लिख सकते हो. यहाँ पे 255 रिप्रेजेंट करता है 100% ड्यूटी साइकिल, और जो नंबर 0 है ये रिप्रेजेंट करता है 0% ड्यूटी साइकिल. तो क्विकली टेल मी कि क्या नंबर मुझे लिखना पड़ेगा सो डैट आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली 50% ड्यूटी साइकिल. अगर मैं 0 लिखूंगा तो मैंने आपको बताया कि 0% ड्यूटी साइकिल हो जाएगी. अगर मैं नंबर लिखता हूं वहां पे 255 तो 100% ड्यूटी साइकिल है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मेरे को 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए तो क्या वैल्यू, व्हाट विल बी द नंबर दैट आई शुड पास. सो आई यूज अंजाने सेज 128. व्हाट अबाउट अदर्स, 127 of 128. ओके, एग्जैक्टली राइट. अब क्योंकि वो एग्जैक्ट जो नंबर है वो 127.5 हो रहा है, तो वी कैन टेक बोथ ऑफ दीज नंबर्स, राइट. क्योंकि इसलिए मैंने इनिशियली बोल दिया था approximately 50%, right? So you can write 128 or 127 to get 50% duty cycle. अच्छा, ये जो value है ये integer ही हो सकती है, so I not write 127.5, वो मैं नहीं लिख सकता. तो either I have to go with 127 or I have to go with 128, right? ठीक है. So अब मेरे को LED की brightness को control करना है ना, और मैं बनाना चाहता हूँ कि LED की brightness जो है वो धीरे धीरे increase हो फॉर सम टाइम. तो सबसे पहले एलईडी जो है वो टर्न ऑफ कंडीशन, आप सोचते जाइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस पर फिर हमें प्रोग्राम बनाना है. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच. हमारे पास में एलईडी है, सबसे पहले एलईडी टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगी. इसके बाद वो एलईडी की ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फुल ब्राइटनेस लेवल पे पहुंचेगी, और उसके बाद वापिस से जो एलईडी की ब्राइटनेस है वो 0 पे आएगी और फिर बढ़ेगी. तो आपको इसके लिए प्रोग्राम बनाना है. तो क्या होगा, एलईडी जो है ये मेरी एलईडी हो गई. ठीक है, सबसे पहले टर्न ऑफ है, फिर कम ब्राइटनेस, फिर और थोड़ी ब्राइटनेस. ठीक है, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी तो वापस से टर्न ऑफ होगी एंड द प्रोसेस विल रिपीट अगेन. सो दिस शुड गो इनसाइड एन इनफाइनाइट लूप, एंड फॉर दैट आई वांट टू राइट अ कोड. सो कैन समवन टेल मी कि सी का कौन सा कंस्ट्रक्ट हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस. ठीक है, जस्ट कंस्ट्रक्ट का नाम बोल दीजिए, कौन सा ऐसा सी का कंस्ट्रक्ट है जिसे हम ऐसा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी क्लिक करता तो नो इश्यूज, राइट. सो कैन समवन टेल मी,
So Ayush Jain says for loop, okay. Now Shrishti says also it's for loop. Uma ko nahi pata shayad. Because no sir is not a construct in C. Okay. So yes, loop, for loop we can use. ठीक है, exactly. For loop हम use कर सकते हैं to implement this. So let's just write, why wait? Just write a quick program to implement this. फाइल में चले जाते हैं, न्यू में चले जाते हैं. ठीक है, ओके. आई वुड लाइक टू कीप द चेंजेस नाउ, लेट्स राइट हियर. तो एक एलईडी है, उसको कहीं बना लेते हैं. तो कांस्टेंट इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 13. ठीक है, देन मेरे को एलईडी का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. तो डायरेक्शन बताने के मेरे पास में जो फंक्शन है वो है पिन मोड. आप उसमें एलईडी लिख दीजिए या 13 लिख दीजिए, और एलईडी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा. तो मैं आउटपुट लिख देता हूं. ठीक है, ओके. एक्चुअली यू डोंट नीड टू सेट द डायरेक्शन एज वेल, क्योंकि हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं एनालॉग राइट ना, उसमें डायरेक्शन भी बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप वो फंक्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट सेज कि ठीक है, इज राइट. सो लेट्स ट्राई विदाउट डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ माय पोर्ट. एनालॉग राइट ऑटोमेटिकली विल सजेस्ट कि ठीक है, इट्स अ आउटपुट पिन. सो नाउ वी विल हैव अ फॉर लूप. हम फॉर ले लेते हैं और इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं आई, है ना, हमारा फेवरेट. फिर उसके बाद में सेमी कोलन लगाते हैं भाई, है ना. देन इसके बाद में हम एक कंडीशन डाल देते हैं कि क्या आई की वैल्यू जो है वो 256 से कम है. ठीक है, अगर कम है तो कंडीशन ट्रू मान लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं आई प्लस प्लस. ठीक है, फिर हम ब्रेसेस में आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे. सबसे पहले हम लिख देते हैं एनालॉग राइट. ठीक है, क्या राइट कर देंगे हम एलईडी पर, मतलब पिन नंबर. मेरा 13 नंबर पर एलईडी कनेक्टेड है जो कि पीडब्ल्यूएम पिन है. सो एलईडी कॉमा आई विल राइट दी वैल्यू, सो विच इन दिस केस इज आई. ठीक है, अब हमारी आंखों के साथ में एक समस्या है कि अगर कोई चीज बहुत तेजी से हो जाती है ना, तो हमारी आंखें उसको समझ नहीं पाती. ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा डिले दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ विजन. तो हम एक छोटा सा डिले दे देते हैं, लेट्स से 10 सेकंड्स का, जिससे कि जो भी ब्राइटनेस लेवल है वो 10 मिली सेकंड तक वैसी ही बनी रहे. ठीक है, उसके बाद चेंज हो. ठीक, एंड दैट्स इट आई गेस. इससे मेरा हिसाब से काम बन जाना चाहिए. टेस्ट करके देख लेते हैं फटाफट. तो टूल्स में जाते हैं, बोर्ड वगैरह सब सही है. लेट्स अपलोड दिस कोड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, फर्स्ट आई नीड टू सेव दिस. I don't know what happened to my board. Actually, the cable that I have now, that is creating some problem. Okay, so let me show you that what is happening to my LED. Okay, तो ये मेरी LED है. As you can see, brightness जो है वो बढ़ रही है, फिर एकदम घट जाती है. ठीक है, तो दिस कोड इज वर्किंग फाइन. ठीक है, as you can see, brightness धीरे धीरे बढ़ रही है, and then accordingly ये function कर रहा है. Now I have a quick test for you guys, right?
व्हाट यू हैव टू डू, इसको मुझे ऐसा करना है कि अभी भी फिलहाल क्या हो रही है, जो ब्राइटनेस है ना वो दक्कू चुप हो जाओ बेटा, ओके तो अभी फिलहाल जो ब्राइटनेस है एलईडी की वो टाइम के साथ में बढ़ रही है, फिर एकदम से जीरो, फिर बढ़ रही है, फिर एकदम से जीरो, ठीक है। नाउ आई वांट टू चेंज दिस ग्राफ इन दिस मैनर कि पहले बढ़े, फिर एक पीक पॉइंट पर पहुंचे, फिर वहां से धीरे धीरे घटे, है ना, वापस जीरो पर आए, फिर बढ़े और फिर घट जाए, ऐसा बनाना है मुझे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वॉट मैं क्या चाह रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन मेरी एलईडी टर्न ऑफ नहीं होनी चाहिए, ब्राइटनेस जैसे धीरे धीरे बढ़ रही थी उसी तरीके से धीरे धीरे घटनी भी चाहिए, ठीक। सो टेल मी द कोड, जो मेरे को इसमें थोड़ा सा पोर्शन और लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस कोड विथ यू, टेल मी क्या करूं मैं सो डैट कि मुझे ट्रायंगुलर फंक्शन मिल जाए। तो तूर शरीफ ने कुछ ऑप्शन दिया है, तो तूर पूरा लूप लिख दो भाई, है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। आई शेयर दिस कोड, जस्ट मेक करेक्शन इन दिस कोड राइट एंड टेल मी द आउटपुट ऑफ योर कोड राइट। इसी कोड को एडिट करें फटाफट और जो भी आपको लगता है मेक दैट चेंजेस एंड वी आर गुड टू गो।
सॉरी नाउ आई फाइंड आउट की स्लाइड्स कहाँ हैं, लेट मी शो यू. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिस विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. आज हम पता कर लेते हैं होती ये क्या चीज है और फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे. कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको बोलूंगा तो प्लीज उन्हें कल तक कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके सो सबसे पहले एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर यही काफी कुछ बता देती है. थिंग्स मतलब है कि चीजें, और अगर ये सारी चीजें जो है आपस में बात कर पा रही हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एज अ कम्युनिकेशन मीडियम, देन दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एक फॉर्मल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. सो इट्स एन इंटरनेटवर्क. इंटरनेटवर्क और दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, राइट? देयर इज अ इंटरनेटवर्क एंड देयर इज अ इंट्रानेटवर्क. ठीक है, इंटरनेटवर्क मतलब कि दो अलग अलग लोकल नेटवर्क्स हैं या दो से ज्यादा, और ये सभी नेटवर्क्स अंदर तो कम्युनिकेट करते ही एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन बाहर दूसरे नेटवर्क्स पर भी कम्युनिकेट करते हैं. सो दैट इज द मीनिंग, दैट इज फ्रॉम दिस वर्ड इंटर. और इंट्रा मतलब क्या होता है कि मेरे पास में एक नेटवर्क है और हम सिर्फ आपस में ही बात करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अपनी क्लास के लोगों से ही बात करता हूं तो व्हाट आई एम डूइंग द इंट्रा क्लास कम्युनिकेशन. ठीक है, और अगर मैं क्लास के बाहर दूसरे ब्रांचेस के भी बच्चों से बात करता हूं तो दैट इज कॉल्ड द इंटर क्लास कम्युनिकेशन. ठीक, सो दिस इज फ्रॉम दिस वर्ड इंटर एंड इंट्रा. तो इंटरनेटवर्क यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपना खुद का नेटवर्क है और उस नेटवर्क के बाहर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का कोई अलग नेटवर्क है, तो ये दोनों नेटवर्क पे अगर हम बात कर पाते हैं सो दैट इज कॉल्ड द इंटरनेटवर्क. सो इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एन इंटरनेटवर्क. अब किसका इंटरनेटवर्क? तो ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने एक दिन ऑब्जेक्ट की पिक्चर आपको दिखाई थी तो वही ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, कूलर, पंखा, एयर कंडीशनर, लाइट और वट एवर ऑब्जेक्ट यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स में है क्या? इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हमने थिंग्स भी बोला है. अब इस ऑब्जेक्ट में है क्या? तो इस ऑब्जेक्ट में है सेंसर्स, कंप्यूटर्स, कनेक्टिविटी एंड एक्चुएटर्स. सेंसर्स का क्या मतलब है? सेंसर्स का पर्पस है डेटा को सेंस करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करना. जैसे हमने सेंसर पढ़ा LM35 तो वो आपके टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा. हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर पढ़ा तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमें बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सामने है या नहीं है. इसी तरीके से PIR सेंसर होता है आपका, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, जो मोशन सेंसर होता है, बताता है कि कोई जो है मूवमेंट कर रहा है या नहीं. तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं. ठीक, तो ये सेंसर्स का काम हो गया. तो सेंसर्स का काम क्या है? एक्वायर डेटा. नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं मैं, एक्वायर डेटा. दूसरी जो चीज है वो है कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या है आपका? कोई भी ऐसी चीज जिसमें की कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो, तो वो है आपका कंप्यूटर. ठीक, थर्ड एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी होगा, क्योंकि हमें इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो वो कनेक्टिविटी. और फिर आगे आपका एक्चुएटर. ठीक है, एक्चुएटर क्या होता है? जिससे आप कोई चीज कंट्रोल कर सकते हो. जैसे रिले, अगर किसी ने सुना है तो रिले से आप एक बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो. अगर एक डीसी मोटर है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो. तो एक्चुएटर जिससे हम एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं. तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाती है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एन इंटरनेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स, कंप्यूटर्स, कनेक्टिविटी एंड एक्चुएटर्स दैट एनेबल दीज ऑब्जेक्ट्स टू एक्वायर डेटा. ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स जो है वो डेटा एक्वायर करेंगे. कंप्यूटर की हेल्प से विल ट्रांसफॉर्म दिस डेटा इनटू नॉलेज एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, और उसके बाद आप फिजिकल एक्शंस लोगे टू मैनिपुलेट दी इन्वायरमेंट. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट से मेरा एक कॉलेज है. ठीक है, मेरी एक फायर अलार्म लगा हुआ है जो कि पता लगा रहा है कि ठीक है भाई आग लगी है नहीं लगी है. समहाउ आग लग जाती है. ठीक है, तो ये फायर अलार्म इस इवेंट को डिटेक्ट कर लेगा. अब हमें क्या चाहिए? जो कन्वेंशनल मेथड है वो क्या है कि कोई बंदा यहाँ से टेलीफोन करेगा, बताएगा कि भाई बिल्डिंग में आग लग गई है, फिर वो बताएगा कि कौन सी बिल्डिंग है, और दूसरा कहीं दूसरे एंड पे 5-6 किलोमीटर दूर है हमारा फायर स्टेशन, जो कि एक्चुअली हमें इस सिचुएशन से बता सकता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस फिलहाल लेट से 10 किलोमीटर है. तो क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी फायर स्टेशन के लोग जो है वो हमारे पास तक आ जाने चाहिए, फायर इंजन एंड ऑल दोस थिंग्स. लेकिन उसके लिए सबसे पहले इन्हें पता लगना चाहिए. तो जो कन्वेंशनल मेथड है कि आप टेलीफोन करिए, एड्रेस समझाने की कोशिश करिए एंड देन दे विल कम. दूसरा हमारे पास में फायर सेंसर है. अब इस फायर सेंसर ने बिल्डिंग में तो बता दिया था लोकल अलार्म बजा के कि भाई आग लगी है,
दूसरा एलिमेंट इस फायर सेंसर को हमने इस आईओटी टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट कर दिया। तो अब ये फायर सेंसर जो है वो एक तीसरी चीज है जो इन दोनों के बीच में कहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड, उससे कनेक्टेड है। तो जैसे ही फायर सेंसर ने पता लगाया कि आग लगी है, तो उसने अपना एड्रेस कैसे पता लगाएंगे, या तो आप पहले से फीड भी कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एड्रेस, या फिर जीपीएस लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से आपके कोऑर्डिनेट जो है वो क्लाउड में अपलोड हो जाएंगे। और ये जो क्लाउड है, यहाँ पे फायर स्टेशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इस क्लाउड को मॉनिटर करता रहता है कि आग लगी है या नहीं लगी। जैसे ही एक फायर का इवेंट अकर हुआ, तो यहाँ से इस वाले बिल्डिंग ने, इस फायर सेंसर ने जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे अपलोड कर दी। इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन फायर सेंसर को पहुंच जाएगी विद दी एड्रेस। ठीक है, अभी किस टाइप का फायर सेंसर है उसे आप पता भी लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आग लगी है, कितने रूम्स में आग लगी है, डेट डिपेंड्स ऑन दी सेंसर, राइट। बट ठीक है, ये तो पता लगी जाएगा कि आग लगी है, एंड इमीडिएटली यहाँ पे लेट से बेल लगी होती है जनरली फायर स्टेशन में, और जब भी वो बेल रिंग होती है डेट मीन्स फायर जो है वो लग गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्चुएटर लगा सकते हैं, मैंने एक मोटर लगा सकते हैं, मोटर क्या करेगी, इस बेल को मूवमेंट करेगी और ये बेल बजना शुरू हो जाएगी। एक स्क्रीन है हमारे पास में जिसमें एड्रेस लिखा आ जाएगा आपका, और इमीडिएटली जो है वहां पे जो भी लोग हैं फायर प्रोफेशनल्स, आई एम मिसिंग द टर्म, ठीक है, वो जो है वो ट्रेवल करेंगे इस घर की तरफ या इस बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो काम पहले कॉम्प्लेक्स था, जिस काम में पहले ज्यादा टाइम लग रहा था, वो आपने वहां से ह्यूमन इंटरवेंशन पूरा हटा दिया, इंसान पूरी तरीके से हट गए इस काम के अंदर, और इमीडिएटली एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, कई जाने बचाई जा सकती हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। और एग्जांपल्स अगर आपको लेने हो तो आजकल एयर कंडीशनर्स आते हैं जो कि आप आपके फोन से उनका टेम्परेचर सेट कर सकते हो ना, घर जाने के पहले आपको पता है कि आज बहुत गर्मी है, घर जाऊंगा गर्म कमरा मिलेगा, सो यू कैन जस्ट फ्रॉम योर मोबाइल फोन सेट दी टेम्परेचर कि ठीक है 20 डिग्री पे वो एयर कंडीशनर ऑन हो जाएगा, 15-20 मिनट पहले ही आप उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, गीजर तक जाने में समस्या होती है, सुबह उठते हैं अपन सर्दियों में और कौन फिर जाके गीजर ऑन करे, क्योंकि उसको फिर पानी गर्म करने में कुछ टाइम लगता है। सो देयर यू कैन हैव दिस ब्लूटूथ, अगर मान लो इंटरनेट नहीं भी चाहिए तो यू कैन हैव दिस ब्लूटूथ, और आपके फोन में एक ऐप होगी उससे आप उसको बता सकते हैं कि भाई ऑन हो जाए, क्योंकि गीजर ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि, और यू कैन हैव दिस ऑन क्लाउड ऑल्सो की। ठीक है, सो दिस वे देयर लॉट मेनी थिंग्स विच कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर, वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन डोमेन जो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, बट बिफोर कंटिन्यूइंग दिस, क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई है, सिनारियो समझ में आ गया है, तो जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स एंड वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। सॉरी भास्कर एंड ओके यू पीपल रिस्पॉन्डेड, ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। नाउ वी हैव लेट्स से डेफिनेशन ऑफ अवर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रेफ्रिजरेटर ठीक है एग्जाम्पल के लिए लिया है, बट आई ऑलरेडी डिस्कस दिस विद अ फायर स्टेशन। तो रेफ्रिजरेटर ये कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर है, ये आपका एक आईओटी इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर है, इसमें सेंसर्स लगे हैं, ये सेंसर्स क्या क्या काम करते हैं आपके, तो ये सेंसर पता लगाते हैं भाई सबसे पहले तो फूड की हेल्थ, ठीक है, फूड के में क्या क्या सेंसर लगा सकते हो, टेम्परेचर क्या है अंदर का ये आप पता लगा सकते हैं, हेल्थ ऑफ फ्रिज इटसेल्फ ऑफ योर रेफ्रिजरेटर इटसेल्फ कि उसके सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सेंसर्स लगा दिए, उसके बाद आपको पता चला, आपने क्वांटिटी पता लगा दिया कि भाई दूध जो है वो इतनी क्वांटिटी में बचा हुआ है, तो अब आपने क्या किया, अब आपने इस फ्रिज के अंदर ये वाईफाई नेटवर्क, आपने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी किसी भी तरीके से, और विद द हेल्प ऑफ दिस अगर दूध कम है सो नाउ माय फ्रिज यूजिंग दिस वाईफाई कैन कॉल द ग्रोसरी शॉप, है ना, वो दूध वाले को फोन कर देगा या उसको कोई मैसेज ड्रॉप हो जाएगा उसके डैशबोर्ड पे, और फिर वो उसको आपके घर का एड्रेस पता है तो वो दूध डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्पेयर पार्ट की हालत खराब है सो यू कैन कॉल यूजिंग दिस नेटवर्क, यू कैन कॉल द मैकेनिक। अगर आपको यूजर को कोई चीज बतानी है कि भाई ये वाला खाना खराब हो गया इसे मत कंज्यूम करिएगा, सो अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट योर फ्रिज, कैन नाउ कॉन्टैक्ट विद द यूजर ऑल्सो, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे मीम्स भी हैं आईओटी के लिए, उनको भी जाके देख सकते हैं, सो विल फाइंड इट फनी। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्निकल डिस्कशन नाउ। ओके आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड,
ओके, ये एक प्रोजेक्शन है एक्चुअली। ये प्रोजेक्शन किसने किया है? ग्लोबल डेटा टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस सेंटर। ठीक, क्या प्रोजेक्शन किया? 2018 में इन्होंने शुरू करा होगा, तो 2018 में ओके 2018 का ही है ये। तो इस प्रोजेक्शन के अंदर ये यूएस बिलियन में क्वांटिटीज लिखी हुई है, ठीक है, यूएस बिलियन डॉलर्स। तो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज की बात करूं तो आईओटी मार्केट के अंदर 101 यूएस बिलियन डॉलर का मार्केट है। कनेक्टिविटी जो है उसका मार्केट, यानी टेली कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसका मार्केट है 13 यूएस बिलियन यूएस डॉलर। और जो आईओटी डिवाइसेज है, जो हार्डवेयर है, वो 16 बिलियन डॉलर्स का। तो हम बेसिकली कहां लाई करते हैं? सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो ये दो चीजें तो हमारे लिए हैं, और ये वाली चीजें कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। बट अगेन, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि जिनको हार्डवेयर नॉलेज भी हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हार्डवेयर से ही कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, और यहाँ पे थोड़ा हमारी चलेगी जो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि बाई 2020 ये जो वैल्यू अभी हम अभी आर सेटिंग एट 2020 ये मार्केट यहां है, और आप इसको यहां से कंपेयर करोगे लगभग डबल होने से ज्यादा, 31 विल बिकम 55, 143 विल बिकम 226। तो इस ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा है, यानी इतना पैसा है इस मार्केट के अंदर, और ये पैसा है तो ये डेवलप करने में जो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उनको मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, so this is some projection which is by global data. now let me tell you कौन कौन सी companies इसके अंदर काम करती हैं, sorry उसके पहले application domain okay. तो this again is a projection जो थोड़ा सा पुराना है, we'll try to find out a newer version of it. तो ये projection क्या बोलता है, ये application domains तो लगभग same ही है। cities के अंदर IoT आप use करेंगे, vehicles में use करेंगे, आप एक घर में use करेंगे, offices में use करेंगे, factories में use करेंगे, फैक्ट्रीज के बाहर यूज करेंगे, इंसानों में यूज करेंगे, वर्क साइट्स में यूज करेंगे, रिटेल एनवायरमेंट में यूज करेंगे। तो ये टोटल 9 जगह हैं जहां पे आप आईओटी को यूज कर सकते हो, और इसका जो टोटल मार्केट है बाय 2025 इट विल रीच एटलीस्ट 3.9 ट्रिलियन। तो ये अगेन एक बड़ा अमाउंट है। ये सारी मेजर आईओटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, अच्छा लेट मी जस्ट टेक अ पॉज बिकॉज आई एम क्या मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आई एम हैविंग दिस थॉट। वेल स्पेसिफिक सेंसर्स आर दिस यू नीड टू फाइंड आउट, राइट? आई डोंट नो द स्पेसिफिक नेम ऑफ सेंसर्स, दैट वाज जस्ट अ ओके। मैंने ये पहले तो शेयर नहीं किया ना इन दिस क्लास, ये स्लाइड्स क्लास में कभी किया होगा, दैट इज अनदर थिंग। बट इस क्लास में आई हैव not use this slide na okay theek hai so maybe kahin aur kuch padhaya hoga so that is what is coming to my mind okay so this projection is 3.9 trillion kam se kam and it may reach 11.9 trillion by year 2025 aur ye bahut bada paisa hai, bahut sara paisa hai, theek hai। then ye sare cloud providers hai IoT ke, to इसमें से पॉपुलर तो हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट, हम सबको पता है ना, बिल गेट्स पहले दुनिया के नंबर सबसे ज्यादा अमीर इंसान रह चुके हैं, काफी लंबे समय तक रहे। इनकी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और इनका जो आईओटी प्लेटफॉर्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आईओटी सीम। ठीक है, AZURE माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सूट। We have one of our very popular Google, और उसका नाम है IoT at Google Cloud। ठीक, फिर हमारे पास में I don't know what this is one company, but I don't know क्या इसके हैं। Then we have this Cisco जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बहुत पॉपुलर है। सो Cisco का जो IoT Cloud है it is Cisco Connect Cloud। Then we have IBM, right? With IBM it comes IBM Watson IoT। Then a very popular cloud कमर्शियल डोमेन में, ठीक है, स्टूडेंट्स में या वैसे इतना पॉपुलर कंपनी नहीं है, बट ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है इनका सेल्सफोर्स, इसलिए आम आदमी इसके बारे में नहीं ज्यादा जानते हैं, बट ये काफी पॉपुलर है कमर्शियल एनवायरनमेंट में। एंड दिस इज एंड इसका जो क्लाउड है वो है सेल्सफोर्स आईओटी क्लाउड।
देन इसके बाद है हमारे पास में अमेजन का AWS IoT, है ना। अमेजन फिलहाल दुनिया के सबसे है ना, इनके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, सबको पता ही होगा। और फिर हमारा पुराना साथी जो है मैथवर्क्स, तो उसका एक क्लाउड है थिंक स्पीक, जो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि हम कुछ AWS पे भी कर पाए, बट AWS में समस्या ये होती है कि इट नीड्स अ क्रेडिट कार्ड, वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, और अगर आप भूल गए उसको बंद करना तो विल चार्ज यू, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी, जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो थिंकस्पीक करेंगे। सभी क्लाउड मोर ऑर लेस एक ही जैसे काम करते हैं, दो तीन तरीके होते हैं उनके कम्युनिकेट करने के, वो हम सीख लेंगे थिंकस्पीक क्लाउड के साथ में, और सेम टेक्निक से थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में आप किसी भी क्लाउड पे उस सेम चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन ये एक और टर्म है विच इज दी 4.0, इंडस्ट्री 4.0। तो किसी ने ये वर्ड सुना है क्या, इंडस्ट्रियल आईओटी या इंडस्ट्री 4.0? क्या इन दो शब्दों में से कोई शब्द आपने सुना है? प्लीज टेल मी। उमा सेज नो, बट नहीं, ये कुछ और नो है मेरे ख्याल में, बिकॉज इट्स अ ओल्ड नो, 8 of 5। टेल मी, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंडस्ट्री 4.0? नहीं सुना है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट देयर आर 4 मेजर रिवॉल्यूशंस इन इंडस्ट्री, ठीक है। टाइम इन लिस्ट डाउन हियर। सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो था कि भैया यूज एनिमल्स, ठीक है, गाय भैंसों को यूज करो, उनसे काम कराओ और उनसे अपना प्रोडक्ट डेवलप करो। सो दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरा आया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन्स बन गई, ठीक है। मैकेनिकल मशीन जैसे हाइड्रोलिक्स आ गए आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन से, बड़ी बड़ी मोटर्स आ गई और उनकी हेल्प से आपने आपके काम को किया, लेकिन यहाँ पे उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, ठीक है। इफ यू हैव, यानी पूरी जो मशीन है वो आपकी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मशीन है, वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में होती है कंटिन्यूसली, ठीक है। भले ही इंसान को मेहनत ना करे, लेकिन 100% जो कंट्रोल होता है वो ह्यूमंस के हाथ में होता है। थर्ड जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कि इस मशीनरी के साथ में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीनरी है, इसके साथ में आ गए आपके कंप्यूटर। तो आपने सुना होगा PLC, ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स आ गए और अब जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कंपैरेटिवली कम हो गया, ह्यूमन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट ज्यादातर जो कंट्रोल है वो मशीन के हाथ में होता है, वो अपना काम खुद कर सकती है। एक बार जस्ट आपको उसको बता दीजिए कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो मशीन वो काम कंटिन्यूसली करता रहेगी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक। तो बहुत कम हो जाता है ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे जाके, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जो चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल IoT, इसमें जो मशीन्स हैं अब वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे कि मशीन का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया तो मशीन खुद के लिए वो स्पेयर पार्ट ऑर्डर भी कर सकती है, ठीक। या फिर कोई एक पैरल लाइंस अगर चल रही है, मान लो ये मैं आपको बताता हूँ, 1, 2, 3 ये लाइंस हैं, सब पर सेम सामान बन रहा है। लेट से यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की वही जो प्रोडक्ट एक लाइन होती तो कम बनता, हमने एक साथ में तीनों लाइन चालू कर दी तो वही प्रोडक्ट जो है वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, 3 गुना बनने लगेगा। अब मान लो इसमें से जो मशीन, बीच वाली मशीन है, इसका कोई एक स्पेयर पार्ट, कोई एक मशीन का खराब हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पे सेंटर में एक कोई मशीन थी, देर आर लेट से इन बिटवीन कुछ 5-6 मशीन है, वो सेंटर वाली मशीन खराब हो गई, तो ये अपना काम जो है इसी के पैरल जो इन दोनों लाइन पर मशीन होगी उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अब जो कन्वेयर है वो ऐसा आएगा, इस मशीन पे ना जाके कुछ यहाँ पे और फिर आगे इसी पर वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफ लोडिंग कर दी, इसे पता है कि बाकी की मशीन अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है तो मैं अपना थोड़ा लोड जो है इधर ट्रांसमिट कर देती हूँ, आधा आधा इन दोनों पर, ठीक है। तो तीनों लाइन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगी, सिर्फ एक मशीन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल, ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि आपका इसमें काम करती हैं, ठीक। कुछ कंपनीज हैं जिसके लोगोज वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन सम ऑफ दीज। सबसे पहले आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं, तो इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म्स वी हैव अमेजन, एटीजॉन, बॉश, IBM, ठीक है, सैमसंग वी है, प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स आपके हो गए, ठीक है। ज्यादातर कंपनियां जो है वो एक सारे डोमेन काम कर रही है, माइक्रोचिप्स बन रहे हैं, सेंसर बना रहे हैं,
देन वी हैव कनेक्टेड हार्डवेयर जो ESP32 जैसे तरीके के हार्डवेयर बनाते हैं वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है, तो उस डेटा से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पता लगा सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जिसके लिए जो वर्ड होता है टेक्निकल वो एनालिटिक्स होता है, वर्ड इज कॉल्ड एनालिटिक्स। और ये सारी कंपनियां जो है एनालिटिक्स डोमेन में, अमेजन तो आप देखोगे लगभग हर जगह है वो, ये बस हार्डवेयर नहीं बना रही वो यहाँ पे। देन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये डायरेक्टली पार्ट नहीं है। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी, अच्छा एक और इशू होता है, एक और इशू होता है आपका साइबर सिक्योरिटी। जब भी हम आईओटी में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो वो डेटा दूसरे को ना मिल जाए, जैसे हेल्थ रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी हेल्थ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों को पता चले, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिक्योरिटी। दूसरा, अगर मान लो मैंने घर में आईओटी डिवाइसेस लगा रखे हैं और वो आईओटी डिवाइसेस बहुत सिक्योर नहीं है, तो कोई भी बंदा हैक कर सकता है मेरे घर में अंदर, है ना, चीजों को कंट्रोल कर सकता है, तो डेट आई डोंट वांट। सो देयर आर स्पेशल कंपनी जो कि सिर्फ आईओटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन वी हैव सिस्टम इंटीग्रेशन, सबको जोड़ देना, ठीक है, सारी चीजों को जोड़ के कुछ एक कॉमन प्रोजेक्ट, सब क्लाउड भी है उसके पास में, उसके पास में हार्डवेयर भी है, सेंसर्स भी है, और इन सभी को एक साथ लाकर कुछ कंपनी जो है एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में भी बना देती है, भले ही खुद कुछ नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही लेकिन असेंबल करके एज अ प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर रहे हैं। देन कुछ एडिटिव चीजें हैं, जैसे कि ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, कनेक्टेड मशीन विजन, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ठीक है। तो ये जो है मेजर कंपनी है जो कि आपका आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी डोमेन में काम करती है, ठीक है। वी हैव सम इंडियन कंपनीज ऑल्सो लाइक इन्फोसिस वी हैव, विप्रो वी हैव, टाटा वी हैव, विच आई कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये 2019 का है, 2020 में अभी इसकी ये नहीं आई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और समथिंग, बट अभी इसने अपना 2020 का कोई भी अपडेट नहीं दिया है, वरना कुछ और कंपनीज यहाँ पे जुड़ जाती। सो दीज आर दी लीडिंग इंडस्ट्री 4.0 वेंडर्स और इंडस्ट्रियल आईओटी वेंडर्स। सो दैट इज इट इन दिस स्लाइड, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा स्क्रोल थ्रू ऑल दी स्लाइड्स के आईओटी होता क्या है। हमने ये पता लगाने की कोशिश करी क्या फायदा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फायर अलार्म। बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईओटी, ठीक है। फिर एक हमने आईओटी फ्रिज वगैरह ले लिया। देन वी हैव दिस नंबर्स, राइट, इन ये दो स्लाइड में हमने नंबर समझने की कोशिश करी और हमने ये पता लगाया कि देयर इज अ ह्यूज ह्यूज मार्केट इन दिस डोमेन, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग आईओटी एज अ करियर ऑप्शन दैट अगेन इज वेरी बेनिफिशियल टू यू। लेट मी टेल यू, नाउ दीज डेज आई वर्क फॉर अ कंपनी जो कि यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। सो नाउ देर आर लॉट मैनी यूनिवर्सिटीज, राइट, जो कि आईओटी पर स्पेशलाइज कोर्सेज चलाते हैं। यू विल फाइंड बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आईओटी, यू विल हैव बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इन आईओटी, यू कैन हैव डेटा साइंस प्लस आईओटी एज एन कैरियर ऑप्शन, यू कैन हैव एम्बेडेड सिस्टम प्लस आईओटी एज अ कैरियर ऑप्शन। सो देर आर मेनी स्पेशलाइज कोर्स जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज चला रही हैं, वो बच्चे भी आपके साथ में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, राइट। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि वो भले ही सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट आईओटी के ही, उनको 7-8 सब्जेक्ट अलग से पढ़ाए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम जो वो पढ़ रहे हैं, दे विल बी कंपैरेटिवली मोर स्किल्ड, राइट। सो प्लीज ट्राई टू पिक अप योर जोन एंड एटलीस्ट एक या दो फील्ड में अपना अच्छा पकड़ बनाइए, ठीक है, एंड आईओटी इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। एनीवेज दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू इन दिस स्लाइड। नाउ आई हैव टू शो यू समथिंग, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज शेयर इन चैट बॉक्स और आई विल असाइन अ होमवर्क जो आपको करना है एंड देन विल कंक्लूड दिस क्लास। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज जस्ट से नो एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। कल की क्लास में वो करके आइएगा तो फिर हम उसे कल से अपना इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया थिंक स्पीक है। लेट मी शो यू इट्स वेबसाइट समवेयर। इसकी जो वेबसाइट है वो है
थिंग स्पीक THING इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला थिंग एंड speak.com राइट दिस वन, इसमें आपको आपका अकाउंट बनाना है। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेट मी टेल यू। इसमें सबसे पहले होते हैं चैनल्स। चैनल्स जो हैं वो बेसिकली एक जगह होती है जहां पे आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हो। दो तरीके के चैनल्स होते हैं, प्राइवेट चैनल एंड पब्लिक चैनल। पब्लिक चैनल जिन्हें कोई भी देख सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने लॉग इन नहीं किया है, लेकिन इसको मैं सर किसके हैं ये MWS के हैं, ये ग्रीडियस 62 हैप्पी बोनो ऑल दिस आई डोंट नो हु दिस पीपल आर, बट इनके ये चैनल्स हैं। तो अगर आप पब्लिक चैनल बनाएंगे तो कोई भी उनको देख सकता है और यहाँ पे वो दिखाई देंगे आपके चैनल्स, है ना, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे। प्राइवेट चैनल्स होंगे जैसे सिर्फ आप यूज करेंगे और कोई नहीं देख पाएगा, वो आप ही का डेटा रहेगा, सिक्योर रहेगा, तो प्राइवेट चैनल ऑप्शन। फिर इसके बाद में ये कुछ एप्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज बोल सकते हैं इसे, ठीक। स्पेशली जो IoT के लिए एप्स हैं वो ये 5 एप्स हैं। पहला है थिंकट्वीट, जैसे आप ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो। जब एक जैसे मान लो मेरे को ट्विटर पर मैसेज करना है कि आज का दिन जो है बहुत हॉट रहने वाला है, यू कैन यूज योर ट्विटर, ठीक है, या बहुत बारिश हो रही है, तो आपका सेंसर पता लगा लेगा कि ठीक है भाई बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। अकॉर्डिंगली आपके लिए ट्विटर आपके अकाउंट पे एक ट्वीट भेज देगा कि भाई बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। देन देयर इज अ टाइम मशीन सॉर्ट ऑफ थिंग कॉल्ड टाइम कंट्रोल, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे आप टाइम टेबल, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप इससे क्या बना सकते हैं, आप इससे वो बेल बजा सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो कॉलेज में बेल होती है, लेक्चर के बाद बजती है ना। सो यू कैन हैव वॉच जो कि इंटरनेट कंट्रोल होगी, इंटरनेट से कमांड आएगा आपकी बेल के पास में और वो जो बेल है उस स्पेसिफिक टाइम पर टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाएगी। सो यूजिंग दिस टाइम कंट्रोल यू कैन कंट्रोल इवेंट्स, ठीक है, आप आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, उसको कमांड्स भेज सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके देखेंगे, ये इतना ही नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हर एक चीज से आप और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मोर देन वन थिंग इनसाइड इट। देन वी हैव अ रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप क्या करता है, आप जब कुछ एक डेटा उसको चैनल पे अपलोड करते हो, उस चैनल को वो रिएक्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर कंडीशन, आपने बोला कि भाई फायर अलार्म है, लेट से कंटिन्यूसली टेम्परेचर भेज रहे हो, अब जैसे ही टेम्परेचर उसने पता लगाया कि 60-70 डिग्री हो गया है, तो ऑब्वियसली आग लगी है, तो ये रिएक्ट जो है वो क्या करेगा, फायर स्टेशन को कॉल कर देगा, अदरवाइज वो डेटा सिंपली अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और इसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो कि ये करना है, ये करना है, क्या करना है आपको, तो वो यहाँ पे हेल्प करेगा आपका, ठीक है। फिर हमारे पास में टॉकबैक ऐप। टॉकबैक ऐप जो है वो आपके एक्चुएटर वाले जो डिवाइसेस है ना, जैसे मेरे पास में एक बेल है जो फायर स्टेशन पे जो बेल है, अब मेरे को उस बेल को बजाना है, सो यू कैन यूज दिस टॉकबैक हियर, ठीक है। आप उस बेल को कमांड कर सकते हो कि भाई अब ऑन हो जाओ। अगर मेरे पास में एक ऐसा रोबोट है जो कि इंटरनेट से चलता है, ठीक है, तो आप उस रोबोट को कमांड दे सकते हो कि भाई अब आगे जाओ पीछे जाओ। ऑब्वियसली रोबोट्स के साथ में एक दिक्कत है कि इंटरनेट के लैग के कारण आप उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट अगर उसी तरीके का सेटअप है देन यू कैन यूज इट, ठीक है। फिर थिंग एस टी टी पी से आप दूसरी वेब सर्विसेज को भी यूज कर सकते हो। हम बनाएंगे कि गूगल असिस्टेंट है हमारे फोन में, तो गूगल असिस्टेंट से कैसे जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हो आपके फोन से जो है। मेरे घर की लाइट भी ऑन ऑफ हो सकती है, मैं अगर आप अथॉरिटी देंगे तो मैं आपके घर की लाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फोन, ठीक है, यूजिंग गूगल असिस्टेंट। उसमें बोल के कि भाई टर्न ऑन माय लाइट, टर्न ऑफ माय लाइट, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू हैव इन दिस सेशन, सॉरी इन द अपकमिंग क्लासेस ऑफ वी हैव वन मोर वीक। एंड देन इन द एंड आई विल ऑल्सो टेल यू टू इम्प्लीमेंट IoT गेटवे। IoT गेटवे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली किसी भी प्रमाइसिस में बहुत सारे सेंसर्स अगर हैं, मान लो कि कॉलेज की बिल्डिंग है या मेरे सोसाइटी की बिल्डिंग है, तो बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं वहाँ पे। बहुत सारे सेंसर जो हैं जनरली डायरेक्टली क्लाउड से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बीच में एक लोकल एक मीडियम होता है कि सारे सेंसर्स, लेट से अगर ये इसको मैं मान लूँ कि ये मेरा IoT गेटवे है, ये एक सेंसर है, तो ये डायरेक्टली क्लाउड पे नहीं भेजेगा, ये किसे भेजेगा, मेरी बिल्डिंग में एक IoT गेटवे लगा है उस पर इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये भी इसको भेजेगा, ये भी इसको भेजेगा, ये भी इसको भेजेगा, और ये जो है फिर डिसीजन यहाँ पे थोड़ा बहुत ले सकता है। IoT डिवाइसेज जो होते हैं ना वो बहुत ही गरीब किस्म के होते हैं, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड राइट,
दे आर वेरी वेरी कंस्ट्रेंट डिवाइस, बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये जो सेंसर्स हैं ज्यादा इनमें दिमाग होता नहीं है, तो आपको अगर डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं सो यू इधर यू गो फॉर क्लाउड और यू कैन हैव दिस आईओटी गेटवे और एज एनालिटिक्स, है ना। एज मतलब क्या होता है, कोना, है ना। तो मेरे जो सारे सेंसर्स हैं वो किसको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, इस एज को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, इस आईओटी गेटवे को भेज रहे हैं, ये मेरे प्रमाइसिस के बिल्कुल एंड में लगा है, ये डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि कॉलेज के गेट पे गेटकीपर्स होते हैं ना, वो आपको तो अलाउ करते हैं, बाहर का बंदा आएगा तो उसे नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव दोज आईडी कार्ड्स, राइट। सो इट इज लाइक दैट कि ये कंट्रोल करेगा सारे सेंसर्स को और क्या इन्फॉर्मेशन आगे पुश करनी है। अगर ये खुद ही डिसीजन ले सकता है तो खुद भी डिसीजन ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाउड। सो आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो ऑन अ रसबेरी पाई, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम रसबेरी पाई, इट्स स्मॉल कंप्यूटर यू कैन से, ठीक है, नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, इट्स अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर बट अ इकोनॉमिकल वन, है ना, 3000 में आ जाएगा आपका ये कंप्यूटर। तो आई विल टेल यू सम प्रोग्राम्स यूजिंग सम पाइथन लैंग्वेज एंड ऑल, बट बहुत हमें पाइथन पढ़ने की जरूरत है नहीं। आई विल प्रेफर कि आप आगे पढ़ें, ठीक है, वी कैन नॉट कवर ऑल दी पाइथन ओवर हियर, आई वुड प्रेफर कि आप पाइथन पढ़िए, ठीक है। सिंपल जो पाइथन है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा रसबेरी पाई के साथ में, और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा आईओटी गेटवे, ठीक है। सो दिस विल बी समथिंग दैट वी हैव प्लान्ड फॉर नेक्स्ट वन वीक, ठीक। सो जस्ट बी क्यूरियस, जस्ट बी देयर एंड यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू हैव आयुष एंड पवन ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एज वेल। And I hope you are not facing any issues with quizzes and all. You are finding them interesting. Sometimes I just don't have time to look to the quizzes. कि क्या है वो results, मैं कई बारी देख पाता हूँ नहीं देख पाता हूँ. But I hope it's going in a right direction, right? So on this note, I will call this as a day, right? I will conclude. If you have any queries, please tell me. I'm here only. Right, I will stay here for one more minute, and if you want to leave, you can leave also. And if you have any doubts, please right, unmute yourself. Tell me what doubts you. Sir? Sir? Okay, I was speaking on mute. Sorry. Yes, Adit, please tell me. Sir, जैसे कि मैं work करना चाहता हूँ कि AI है जो अपना artificial intelligence है, उस पर work करना चाहता हूँ, तो आप उसमें connection कैसे रहेगा, जैसे कि IoT के जरिए हम AI को कैसे connect करेंगे और बाकी उसके जो बहुत अच्छा है AI के अंदर, and I'll ask him to discuss this thing with you, right? He will tell you, but obviously AI के लिए data चाहिए, data we can always provide with the help of IoT, क्योंकि artificial intelligence भी कई बारी cloud में implement होता है, उस cloud को अगर वो data चाहिए, so you can use IoT for that portion, and artificial intelligence में बहुत सारी algorithms लगती हैं, वो algorithms मेरे ख्याल में he is the better person, so I will connect you with that person, right? इसी class में I will arrange him also. सर जैसे कि हमें और एक और बात है, जैसे कि हम ऐप से हमको आईओटी चलते हैं, जैसे कोई मशीन कंट्रोल करना है, अपना डे का रूटीन चेंज करना है, या कुछ भी कनेक्ट करना है, जैसे क्लाउड से करते हैं, तो उसके जो जैसे हम कहीं से भी अपन लॉगिन करके कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन ऐप्स की अगर बात कर रहे हो तो यस, और उसको डेवलप करने के लिए अगर आपको मोबाइल फोन डेवलपमेंट नहीं आता है, सो लेट मी शो यू वेबसाइट, मिसाल में आपने सुना भी होगा MIT ऐप इन्वेंटर, मैंने इस पर कुछ एक दो ऐप बनाई है, बहुत इजी है ये एक्चुअली, थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट होता है,
बट जब मैंने पता लगाया थोड़ा एक दो चीजें बनाई तो इट्स एक्चुअली क्वाइट इजी. सो यू कैन यूज दिस वेबसाइट, आप आपकी मोबाइल ऐप बना सकते हो और इससे पूरा आईओटी चलता है. मैंने एक पूरा होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया था इसके बेसिस पे, और ये REST API HTTP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है ये. तो आप MQTT तो नहीं कर पाओगे, IoT के कुछ प्रोटोकॉल हैं तो HTTP सपोर्ट करेगा. आप आपके फ़ोन से एक HTTP कमांड REST कमांड जो है वो इशू कर सकते हो और वो क्लाउड से होते हुए आपके डिवाइस तक पहुंच जाएगी. ठीक है, यू कैन यूज दिस ऑल्सो एंड आई विल ट्राई इफ आई हैड टाइम आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट एक बटन तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा इस पे कि कैसे आप एक ऐप बना के और उसको आईओटी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट एक सिंपल सी ऐप बस बटन में आपको जरूर बताना सिखा दूंगा इससे. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू आदित्य. एनीवन, वी आर लेफ्ट विद तनुश्री, उमा, विनय, निकिता, आरुषि. इफ यू पीपल हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, आई एम हियर. सर, वी हैव टू क्रिएट अ आईडी ऑन दिस thingsspeak.com website. Yes, you have to create an ID. Okay, yes. Okay, sir. So, if Ayush, Jain and Pawan are here, right, please tell in their WhatsApp group that they need to create an ID. ओवर थिंक स्पीक क्लाउड. एक्चुअली बातें करते करते मैं भूल गया ये बताना कि वो आईडी क्रिएट करनी है. सो प्लीज टेल देम इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप एंड इफ यू कैन शेयर सम स्नैपशॉट्स ऑफ दी स्टेप्स दैट कैन बी यूज्ड राइट टू क्रिएट देयर आईडी. ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर दैट दे हैव एन आईडी बिफोर वी हैव टुमारोज क्लास, राइट, बिफोर 7 PM टुमारो दे मस्ट बी रेडी विद देयर आईडी. तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. ठीक है, आईओटी में आप आईडी जरूर बनाइए. डिवाइस है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे डिवाइस से आपकी आईडी पे डेटा ट्रांसफर करके बताऊंगा. सो यू मस्ट हैव आईडी, क्योंकि अब बहुत कुछ क्या है ना ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा. तो भले ही आपके पास आईओटी डिवाइस नहीं है बट फिर भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो उस पर. ठीक है, सो प्लीज क्रिएट एन आईडी एंड पवन एंड आयुष प्लीज एंश्योर दैट दीज पीपल क्रिएट देयर आईडीज ओवर थिंकस्पीक क्लाउड एटलीस्ट. So that is it. I am dropping this call. Good night, guys.